नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस। विद्यार्थी मित्रों, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस में डिफिकल्टी होती है, जिसमें से क्लास टेंथ चैप्टर 4 4.3 का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को कितना भी प्रैक्टिस करवा दिया जाए, कितना भी सवाल सॉल्व करवा दिया जाए, फिर भी बच्चों के डाउट्स होते हैं। और उस विधि का नाम है पूर्ण वर्ग की विधि। आज मैं आपको जो पूर्ण वर्ग की विधि समझाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इजी भी बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा और जिंदगी भर आप इसे नहीं भूल पाओगे। ओपन चैलेंज कह रहा हूं। अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं अपना, कभी जिंदगी में ये सवाल नहीं भूल पाओगे। इतना आसान तरीके से मैं सवाल को चलाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बस वीडियो को ध्यान से सीखना होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पूर्ण वर्ग की विधि सीखने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां पर छोटा सा एक बड़ा फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला देखना होगा। क्या है? अंतिम पद बराबर मध्यम पद का वर्ग बटे 4 गुणे प्रथम पद। आपको अगर ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया ना, तो मैं कहता हूं कि ये सवाल आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। सर, ये अंतिम पद क्या होता है, ये प्रथम पद क्या होता है और ये मध्यम पद क्या होता है, चलिए इसके बारे में कुछ डिस्कस करके मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो क्वेश्चन होता है, इसे हम बोलते हैं प्रथम पद, इसे बोलते हैं मध्यम पद, और यहां पर जो संख्या मिलेगा इसके बाद वो होगा आपका अंतिम पद। और आपको इसके अंदर क्या ज्ञात करना है? अंतिम पद ज्ञात करना है। पर कौन सी विधि से ज्ञात करना है? पूर्ण वर्ग की विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। क्या दिया है? प्रथम पद आपको दिया है, मध्यम पद आपको दिया है, अंतिम पद आपको नहीं दिया है, इसे आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, इस सूत्र के माध्यम से आपको सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए, अंतिम पद बराबर मध्यम पद कितना दिया है आपको? मध्यम पद आपको दिया है माइनस का 7x, तो लिखेंगे माइनस का 7x। इसकी खोपड़िया पे 2 है तो इसके ऊपर वर्ग लगा दो, ठीक है, फिर बटे, फिर उसके बाद 4 गुणे प्रथम पद कितना दिया है, तो देखते हैं प्रथम पद दिया है 2x की स्क्वायर, तो लिखेंगे 2x की स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है? 7 का वर्ग क्या होता है? 7 का वर्ग होता है 49x की पावर 2 बटे, ये क्या है, 4 × 8 x² x² से x² कट गया तो क्या बचेगा? 49/8। अब ये जो आंसर आएगा ना, इस आंसर को आपको लिखना तो है, बट कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। एक बार आपको प्लस करके लिखना है, एक बार आपको माइनस करके लिखना है। बस ध्यान से समझना, फिर से समझा रहा हूं, ये जो आंसर आएगा इसे आपको 2 बार लिखना है, एक बार आपको प्लस करके लिखना है और एक बार आपको माइनस करके लिखना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लिख के दिखाते हैं कैसे लिखा जाता है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है बेटा, ये जो पहला है पद है ना, इसको जैसा लिखा है उसको वैसे के वैसे लिख दो, माइनस 7x जैसा लिखा है उसको वैसे के वैसे लिख दो। अब यहां पर बड़ा, यहां पर आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि इसको 2 बार लिखना है, कितनी बार लिखना है? 2 बार, एक बार प्लस करके लिखना है, एक बार माइनस करके लिखना है। चलिए लिखते हैं बड़ा, प्लस 49/8, फिर माइनस 49/8, फिर ये 3 जैसा है उसको वैसे के वैसे बराबर 0। देखो, मैंने एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूं, एकदम ध्यान से समझना पड़ा, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ा,
ये जो आठ है ना, ये आठ, इस आठ का गुणा आपको दो के साथ करना है, इसी आठ का गुणा आपको सात के साथ करना है, और इसी आठ का गुणा आपको तीन के साथ करना है। अब आप बोलोगे सर ये आठ का क्या करना है? अरे बुद्धू, दोनों आठ कैसा है? सेम ही है ना, तो दोनों का मल्टीप्लाई तो एक ही होगा ना। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम क्या करें, आठ का मल्टीप्लाई दो में करेंगे तो आठ दूनी क्या होगा, सोलह एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर आठ सत्ते छप्पन एक्स, फिर प्लस 49 का 49, फिर प्लस आठ का गुणा तीन में करेंगे कितना होगा, 24 बराबर जीरो। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? अब उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, ध्यान दीजिए। अब कैसे बनाएंगे बेटा, तो देखो आगे से तीन पद ले लो बेटा। आगे से हमने क्या किया, तीन पद ले लिए, एक पद, दो पद और तीन पद, ये प्रथम पद, ये मध्यम पद, ये अंतिम पद। यहाँ तक आ गया बेटा, क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद बाकी बचे ये दोनों को अलग कर दो। ठीक है, यहाँ से बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है। अगर ध्यान दीजिए ना बड़ा, ये जो है ना बड़ा, ये किसी का सूत्र है। किसका सूत्र है? चलिए हम आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। आपको बड़े ऐसा सूत्र याद है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, हमने बताया था आपको, क्या है, पापा का वर्ग प्लस मम्मी का वर्ग प्लस टू लिखकर पापा और मम्मी। मैंने क्या कहा, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस टू लिखकर पहला और दूसरा। अब यहां पर माइनस है ना, तो कैसे लगाना है, तो यहां पर प्लस, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस हो गया। अब अगर ध्यान से देखो ना बड़ा, ये जो है ना बड़ा, इसकी तरह दिख रहा है ना। देखो आप ध्यान से देखो ना, ये जो है बड़ा वो इसकी तरह दिख रहा है। अब इसको ना ये बनाना है, ये जो भाग है इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है। कैसे बनेगा, तो आपको क्या करना है, ये पहला वाला पद और ये लास्ट वाला पद, देखो ए ऊपर लिख दो, बी ऊपर लिख दो, और यहाँ पर वर्ग है तो दोनों का वर्ग यहाँ लगा दो। अब फिर क्या होता है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, बन गया ना ऐसे। बस वैसे यहाँ पर भी करना है, पहला वाला पकड़ लो और लास्ट वाला पकड़ लो, बस। 16 किसका वर्ग बड़ा, 16 है चार एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा चार एक्स। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 49 किसका वर्ग है, 49 है सात का, इसके ऊपर लगा दो वर्ग, बन गया ना। बस ऐसे ही तो करना था। ठीक है, अगर जिसको समझ में नहीं आया हो वो क्या करना, वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लेना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 49 मतलब 49 में से 24 को क्या करना है, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 49 में से अगर 24 माइनस करोगे, 49 में से अगर 24 माइनस करोगे, देखो 49 में से बड़ा 24 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 25, माइनस का 25 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस 25 बराबर ज़ीरो। ठीक है, अब आगे क्या करना है बेटा, अब आपका सवाल एकदम इजी हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा, इसको वैसे जैसा लिखा है उसको ऐसे लिखो। ठीक है, अब देखो बेटा 25 किसका वर्ग है, 25 है सर पाँच का वर्ग, तो यहाँ पर लिखेंगे पाँच का वर्ग बराबर जीरो। बस अब आपको कुछ नहीं करना पड़ा। अब आपका जो किया बड़ा, अब इसी चीज को कहते हैं, यहाँ पर देखो दो लिखा है, दो। अब इसी चीज को आपको कितनी बार लिखना है, दो बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, दो बार। एक बार आपको क्या बताया था ना, एक बार आपको क्या करना है, दो बार लिखना है, एक बार आपको प्लस करना है और एक बार आपको माइनस करना है। कैसे करना है समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। ये आपका पहला टर्म है, जैसा लिखा है उसको वैसे के वैसे लिख दो, 4x माइनस 7, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस 5, ये एक बार लिख दिया। अब ऐसे ही लिखेंगे, अब क्या करेंगे, प्लस, ये जैसा लिखा है उसको वैसे के वैसे लिख दो, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 5। देखो एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, यहाँ पर प्लस करना चाहिए था, आपने प्लस क्यों नहीं किया। समझाता हूँ बच्चों, क्योंकि बच्चों ये दोनों क्या है, एक साथ है, इसलिए इसको एक साथ में रखना है। आपको जो भी करना है ना, यहाँ पर एक बार माइनस तो एक बार प्लस करना है, बस। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए अब आपको क्या करना आगे, 4x का 4x, अब बड़ा माइनस का 7 और माइनस का 5, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 7 और 5 कितना हो जाएगा, माइनस का
स्क्वायर। अब आगे देखो, 4x का 4x, 7 में से 5 प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 2 बराबर 0। अब आपको क्या करना पड़ा, इसके बराबर में 0 लेना और इसके बराबर में 0, तो एक बॉर्डर बना दो इंडिया और पाकिस्तान का। चलिए 4x माइनस 12 बराबर 0 और 4x माइनस 2 बराबर 0। अब ये माइनस का है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस का इधर जाएगा बराबर को सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 4x बराबर 12। अब ये 4x आपका गुणाकार में इधर जाएगा तो भागाकार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12/4। अब x बराबर, अब 4 × 1 = 4, 4 तो यही 12, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का 2 है बराबर के उससे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब ये 4 गुणाकार में इधर आएगा तो क्या होगा, भागाकार में, तो हो जाएगा 2/4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 × 2 = 2, 2 × 4, तो आंसर आएगा 1/2 आएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ध्यान से देख लीजिए बड़ा, वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है लेकिन बड़ा आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है बड़ा। और मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ बड़ा, आप क्या करना है, इसके जैसा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको सॉल्व करना है, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना पड़ा, इसी कॉन्सेप्ट से इसी तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करना, आपका आंसर डेफिनेटली कहता हूँ आएगा। और अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आप मुझे क्या करना, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना कि सर मेरा आंसर आ गया। और जिन बच्चों का नहीं आया है मुझे बताना, मैं आपके लिए बड़ा एक वीडियो और बना दूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। चलिए सबसे पहले आप क्या करो, होमवर्क लिख लो। देखिए बच्चों यहाँ पर आपका होमवर्क दिया है, आपको 4 क्वेश्चन उसके जैसा दिया बड़ा, ये चारों चार अगर आपने कर लिया बड़ा तो बोर्ड के कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो बड़ा, आपको डेफिनेटली कहता हूँ इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। आज जिंदगी में कभी भी बड़ा इस टाइप के सवाल को नहीं भूलोगे, जितनी बार भूलोगे बड़ा उतनी बार आकर के ये वीडियो देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और बड़ा और मुझे अगर बड़ा कोई अगर कोई क्वेश्चन में कोई क्वेरी होती है, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो बड़ा आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओ, सर मुझे ये सवाल भी नहीं आ रहा है, आप ये वाला सवाल भी सॉल्व करके बताओ, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है बड़ा। चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दोस्तों।